छात्रों, आज इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूजुअली ब्रॉड सेंस में, बेस्ड अपॉन द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द लाइट बाय इलेक्ट्रिसिटी, द सोर्सेज ऑफ लाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फोर टाइप्स: इलेक्ट्रिक आर्क लैंप्स, इनकंडेंसेंट लैंप, गैसेस डिस्चार्ज लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप। जहाँ तक इलेक्ट्रिक आर्क लैंप की बात है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं: आयनाइजेशन ऑफ एयर प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूस एन आर्क एंड प्रोवाइड इंटेंस लाइट। जहाँ पर इनकंडेंसेंट लैंप्स की बात आती है, व्हेन द फिलामेंट ऑफ दीज लैंप्स आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर दे इमिट लाइट दैट फॉल्स ऑन इन द विजिबल रीजन ऑफ वेवलेंथ। टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स आर ऑपरेटिंग ऑन दिस प्रिंसिपल। जहाँ तक गैसेस डिस्चार्ज लैंप की बात आती है, व्हेन इलेक्ट्रिक आर्क करंट इज मेड आउट टू पास थ्रू ए गैस और मेटल वेपर, इट प्रोड्यूस विजिबल रेडिएशंस बाय डिस्चार्ज टेक प्लेस इन गैस वेपर। सोडियम एंड मर्क्यूरी वेपर लैंप्स ऑपरेटेड ऑन दिस प्रिंसिपल। लास्ट इज फ्लोरोसेंट लैंप। इसमें सर्टेन मटेरियल्स लाइक फॉस्फोरस पाउडर एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट रेज एमिट्स द absorb energy into visible radiations fall in the visible range of wavelength. This principle is employed in fluorescent lamps. अब हम इसमें आगे जो चलेंगे, तो हर एक source light जैसे arc lamp है, तो उसको कितने type का होता है और वो किस प्रकार से work करता है। जैसा figure में दिखाया है, carbon arc lamp, flame arc lamp और magnetic arc lamp, तीन type के lamp हैं जो आर्क लैंप के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। और इनमें इन आर्क लैंप के बारे में हम देखते हैं, तो द इलेक्ट्रोड्स आर इन कनेक्टेड कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस अपार्ट। द इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू दीज इलेक्ट्रोड्स। द डिस्चार्ज इज अलाउड टू टेक प्लेस इन एटमोसफियर वेयर द प्रोडक्शन ऑफ वेरी इंटेंस लाइट एंड considerable amount of UV radiations when an arc is struck between two electrodes. The arc maintain current and very efficient source of light. They are used in search lights, projection lamp and other special purpose lamps such as those in flash cameras. Usually carbon arc lamp के बारे में जैसे हम देखते हैं कि carbon arc lamp consist of two hard rods type electrodes made up of carbon. Two electrodes are placed end to end and are connected to the DC supply. The positive electrode is large size than that of negative electrode. The carbon electrode used with AC supply are the same size as in that of DC supply. The DC supply across the two electrodes must be less than 45 V. When the current pass through the electrodes are in contact with the withdraw part about the 2-3 mm, arc is placed between two rods. The two edges of rod becomes incandescent due to high resistance offered by rod as shown. The particles from one rod to another observed that the carbon particles transfer from positive rod to negative rod, so that the positive electrodes get consumed earlier than the negative electrode. Hence the positive electrode is of twice the diameter than that of negative electrode. Is prakar carbon arc lamp mein जब एसी सप्लाई होती है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड इज सेम, देयरफॉर क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स इज सेम एज द रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रोड ऑफ स्टेबलाइजिंग चार्ज। फॉर मेंटेनिंग द आर्क, द नेसेसरी वोल्टेज रिक्वायर्ड इज वी इज इक्वल टू 39 + 2.8 L वोल्टेज, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्क इज 60 V. The temperature of the positive electrode is 3500 to 4200 degree centigrade.